देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बुलंदशहर से बड़ी खबर, अलीगढ़ नंबर बस ने 7 को उतारा मौत के घाट। बुलंदशहर नरोरा घाट पर रात 2:30 बजे आए थे यात्री। कुछ यात्री बस के पास 5 मीटर दूरी पर अपनी ही बस के पास सोए हुए थे। लगभग सुबह 3:30 बजे अलीगढ़ नंबर गाड़ी ने 7 यात्रियों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। यात्री उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस गांव मोहनपुर से एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। वही आपको बताते चले कि 3 तारीख को अपने गांव से रवाना होकर वैष्णो देवी, नगरकोट आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए निकले थे ये परिवार। लेकिन गुरुवार की रात्रि बुलंदशहर के नरोरा घाट पर स्नान करने के लिए बस रुकी हुई थी, जहां यात्री नरोरा घाट से स्नान कर बेलोन भवानी माता के दर्शन कर अपने गांव को वापस जा ही रहे थे कि अचानक उनके साथ यह दुर्घटना हो गई। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल है। वहीं आनन फानन में नरोरा थाना क्षेत्र की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह और SSP संतोष कुमार सिंह और तमाम पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुके हैं। कारणों का पता नहीं चला है अभी, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश में जुटी हुई है। यात्रा करके आ रहे हैं वैष्णो देवी से। हाथरस के आप? हाँ, हाथरस के रहने वाले हैं। ये वो एक्सपायर हुए हैं। अच्छा, ये 7 हुए हैं हाथरस खास? हाँ जी। तो ये जो एक्सपायर हुए हैं, इनके नाम? नाम तो कंफर्म नहीं है। हम भी यात्री हैं, हमारी बस के यात्री हैं। हम भी दूसरी जगह के हैं। तो इसमें कितने हैं बच्चे? कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, 4 लेडीज। 4 लेडीज। हाँ। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।